हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एंड आदाब, वेलकम टू द लंदन फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है हमारा सेकेंड डे कोविंट्री में और आज हम कोविंट्री घूमने वाले हैं। तो इस वीडियो को अब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम कोविंट्री में कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो जस्ट अभी डिसाइड हुआ है कि हम कोई म्यूज़ियम जाने वाले हैं। अभिषेक ने म्यूज़ियम चूज़ किया है, वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा म्यूज़ियम अभिषेक हमें लेके जाने वाले हैं। देखो गाइस, वो जो गाड़ी है यहाँ पे वो क्लीन करती है सारी रोड। भाई खींच के ले गया वो यार, वैक्यूम है पूरा रबर। देखो यहाँ पे ऐसे रोड्स क्लीन करी जाती है। ये है कोविंट्री यूनिवर्सिटी बोली लगती है। ये है आकांक्षा की यूनिवर्सिटी जो कि पूरी यूनिवर्सिटी जो ये है ये पूरी सिटी में फैली हुई है। तो गाइस हम आए हैं मिडलैंड एयर म्यूजियम। हम एयर म्यूजियम घूमने आए हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेन्स जेट्स वगैरह हैं तो वो देखते हैं और आप लोगों को ये दिखाते हैं। यहाँ पे है मिसाइल टाइप, ये है मिडलैंड एयर म्यूजियम, ये कोविंट्री में है। आकांक्षा आपको बताएगी कि कौन सी मिसाइल है। बताओ। इंग्लिश इलेक्ट्रिक थंडरबर्ड 1। तो हम तीन जने आए हैं यहाँ पे। ये है आर्मस्ट्रांग सिडली मोटर्स। गाइस ये इंजन है सारे प्लेन्स के जो कि बहुत पुराने पुराने हैं और यूज होते हैं। तो एंट्री में 1916 की वॉर के बीच में जो कुछ यूज हुआ है वो सब है। ये छोटे से डमीज हैं, फाइटर प्लेन जो उनके डमीज हैं। हाँ, ये वो उसका इंजन है प्रॉपर दिखाया। हाँ। तो ये सारे इंजन्स हैं प्लेन के और ये डमीज भी लगती हैं। ये जो रैप ऑफिसर्स होते हैं उनका ड्रेस का है शॉर्ट जो वो यूज करते हैं, उनका कैप, उनका टाई। ये दिस इज सर फ्रैंक मिचेल्स कैप एंड टाई। इनकी जो मिसाइल्स हैं उसकी डमी इन्होंने बनाई हुई है। जेट ये रहा इंजन, जो जेट एरो इंजन है इनका, डिजाइन बाय सर फ्रैंक विटल। और आप ये पूरा इंजन दिखा सकते हो। ओह माय गॉड, मेरे को लगा सच्ची कोई बैठा है उसमें। ये जो है ये रॉल्स रॉयस का इंजन है। ओहो, रॉल्स रॉयस 1944 में उसने एक इंजन डिलीवर किया था। रॉल्स रॉयस ने 1944, देखो कितना पुराना है। ये है वो इंजन। ये देखिए दोनों कैसे देख रहे हैं इतने बड़े प्लेन को। कोविंट्री एंड वॉर्विकशायर। ये हमारी एयरप्लेन की हिस्ट्री है, कहां से स्टार्ट हुआ इनकी ब्रिटिश
क्या सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम्स आई थी इसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा शोर होता था, इट सेज दैट हाई नॉइस लेवल्स, उसके बाद कि फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न होता था और एनवायरमेंटल डैमेजेस बहुत थे. इसको फिर कवर अप करके 1960s के बाद यहाँ पे 70s और 80s में यहाँ पे ये डिज़ाइन हुआ. इट्स जस्ट द मॉडल्स, हमें कुछ समझ नहीं आता था. इसमें इंट्रोडक्शन दे रखी है इन्होंने. हाँ, ये ना इंट्रोडक्शन फैन इंजन फॉर क्वाइटर एंड मोर एफिशिएंट. यहाँ पे पीछे जो प्रॉब्लम आई थी नॉइस लेवल की, यहाँ पे 60s 70s और 80s में उसको ठीक किया गया. ठीक है, अच्छा. और क्या एनवायरमेंटल थोड़ा वो हुआ, बट इस यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई थी कि कॉस्ट बहुत लगती थी फॉसिल फ्यूल्स की हमारी. ओके, और यहाँ उसके बाद हुई थी पैसेंजर ज्यादा हो गए थे और ट्रेन 2000 तक. फिर उसके बाद उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके 2000 में 1990 से 2000 में ठीक किया. इन प्लेन्स का ये वे लेस करते थे और इनके जो फैन थे वो बड़े थे एंड ज्यादा लोग बैठ सकते थे. ज्यादा लोग बैठ सकते थे और एफिशिएंट थे, फ्यूल यूसेज मिनिमम था. ये भी देख सकते हैं आप डमीज स्विजर वगैरह की. जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है प्लेन, द ब्रिटिश एयरवेज, हाँ, A380 कॉन्टिनेंटल, थॉमसन. एयर ट्रैफिक को मैनेज किया गया. ये एमिरेट्स का सबसे बड़ा जो प्लेन है ये उसका मॉडल है. गाइस वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, मगर थोड़े बहुत लोग आ रखे हैं क्योंकि वीकेंड है. तो इसके बाद हम बाहर चलते हैं क्योंकि पुराना म्यूजियम है. ये रही आकांक्षा, ये रही आकांक्षा. देख आकांक्षा नहीं शर्माना नहीं. आकांक्षा बताएगी ये कौन सा प्लेन है. आकांक्षा बताओ. World's airspeed record. So the first plane to break the record. Actually. Oh my God! Yeah. In 1945, a meteor broke the world airspeed record at 606 miles per hour. ये पहला plane है जो सबसे ज़्यादा speed पे चला था. Do not touch लिखा है अभी. ये इसका इंजन और देखिए कितना पुराना है, आप देख सकते हैं 1942 का ये इंजन है. और देखिए लग भी रहा है कि 1942 का है, बट इन्होंने कितना मेंटेन किया हुआ है, कितना क्लीन किया हुआ है इस इंजन को, एयर टर्बाइन को, एयर टर्बाइन इंजन, राइट. एंड ये है इनका रॉयल नेवी का हेलीकॉप्टर जो ये यूज करते थे. और ये जो है इसका नाम ये है फेली अल्ट्रा लाइट, 1955 का है ये हेलीकॉप्टर. एंड अभी व्हाट इज दिस, इट्स मल्टी ट्विन टर्बाइन टर्बो प्रूफ, द कंट्री बेस आर्मस्ट्रांग सिडली कंपनी प्रूफ द नंबर टर्बो प्रॉप इन 1946. इट्स अ काइंड ऑफ इंजन, इंजन पार्ट और समथिंग, एयरक्राफ्ट पार्ट. जो भी ज्यादा मतलब स्पीड प्रोड्यूस करता है ना टर्बो इंजन,
टर्बो जो होता है वो ज़्यादा स्पीड देता है आपको। And which one is this? ये सारे इंजन के पार्ट्स हैं छोटे छोटे। आप ये एयरक्राफ्ट देख सकते हैं, ये भी कितना। एंड ये भी 1948 का है। ये जेट फाइटर है, फर्स्ट यूरोपियन जेट फाइटर। मैं आ जाता हूँ अब पीछे कैमरा के और रितिका को लाते हैं कैमरा के आगे। तो कम ऑन रितिका, आप जाओ अंदर। आकांक्षा, यू कैन ऑल्सो सिट इनसाइड दिस। या दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, यू कैन गो इनसाइड एंड आई एम बिहाइंड द कैमरा नाउ। आकांक्षा इज स्टैंडिंग देयर। ये बन गई है पायलट। ये गाइस, मैं जिस जेट में बैठी हूँ उसका अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। इतना सारे सिस्टम, लाइक वो लोग कंफ्यूज नहीं होते थे क्या चलाने के लिए। ये हैं अभिषेक अपनी फोटो क्लिक करते हुए, एंड वो हैं आकांक्षा, और मैं बैठी हूँ अंदर। तो गाइस, मैं इसके अंदर बैठी थी और अब बाहर आ चुकी हूँ। अब मैं जा रहा हूँ इस प्लेन में गाइस। क्योंकि बहुत पुराना है अभी। ये देखिए, आप आवाज सुन सकते हैं प्लेन चलने की। तो ये है यूएस एयरफोर्स का जेट। तो चलो चलते हैं ऊपर और इसको देखते हैं। और यहाँ पे तो बैठना अलाउड नहीं है। तो ये कुछ अंदर से ऐसे दिखता है, आप देख सकते हैं कितने सारे बटन्स हैं। और इस जेट को दो लोग चलाते हैं, एक आगे बैठ के मैनेज करता है और एक पीछे, क्योंकि दोनों साइड बटन्स लगे हैं और दोनों ही इसको चलाते हैं। और इसके विंग्स भी देखें आप कितने ज़्यादा बड़े हैं। चलो अब चलते हैं नीचे और बाकी चेक करते हैं और क्या क्या है। तो ये है डनलॉप एविएशन जर्मन जेट पावर। ये पहले जो डमीज बनाते थे ना, उसके बाद प्लेन बनाते थे, तो ये वही डमीज है। गाइस, आप लोग देख सकते हैं, नॉर्मली आप ऐसे इनको टच नहीं कर सकते, बट आप म्यूजियम में आओ तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो जो जो यूके में भी लोग हैं उनको यहाँ आना चाहिए एक बार। आना चाहिए। और इसका जो एंट्री फीस है वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, पर पर्सन। और अगर चिल्ड्रेंस है तो उनका और भी कम है। तो आपको एक बार आना चाहिए यहाँ पे, अपने बच्चों को भी लेके आइए, उनको दिखाइए अगर आप यूके में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बेसिकली नहीं देख सकते हो, नॉर्मली आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी। इतने टेक्नोलॉजी पूरी डिस्प्ले। और ये मोस्टली वही चीज़ें हैं जो एंटीक्स हैं, हेरिटेज हैं। इस टाइम की साइकिल, इतनी पुरानी साइकिल भी उन्होंने रखी हुई है हेरिटेज की उसमें अपने, और संभाल के रखी हुई है। सबसे बड़ी बात, बहुत ही नीट एंड क्लीन रखा हुआ है इन्होंने। अभी उन्होंने एंट्री टिकट छपी है ताकि वो मेंटेन कर सके इस चीज़ को। ये टर्बो यूनियन इंजन है, देख सकते हैं आप। रोल्स रॉयस सिर्फ कार के नहीं, मतलब प्लेन के इंजन से भी बना। एंड कितना पुराने से बना रहा है, 1974 का ये इंजन है। ऊपर आरआर का लोगो भी लगा हुआ है, ये भी हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। क्या अच्छा, तुम्हारा ऊपर भी जगह है। पहले इधर देखते हैं ना नीचे, ये करते हैं ना, पहले ऊपर चलते हैं ना फिर ऐसे। व्हाट इज दिस? ये द हिस्ट्री ऑफ एविएशन इन कोवेंट्री। ये सारी सिविल एविएशन है। Again, massive engine from RRR, Rolls Royce.
ये सारे रॉल्स रॉयस के इंजन्स हैं। राइट यहाँ पे एक्चुअली जो स्टूडेंट्स एविएशन का कर रहे होते हैं जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स और ये सब उनका यहाँ पे ट्रैक होता है। इन्होंने ये बना रखा, आप देख सकते हो कैसे इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड ब्रेक फेस टू, इलेक्ट्रिकली ये ब्रेक लगती थी इसके इंजन वगैरह की। एंड दिस इज वर्किंग, या इट्स वर्किंग इनसाइड, इट्स अ डेमो। ये सब इंजन ही हैं, ब्रेक यूनिट है, दो हॉपर ब्रेक्स हैं, एक के अंदर एक। इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, उनको तो जरूर आना चाहिए। रिलेटेड टू एविएशन जो भी था, दे शुड, जो इंजीनियर्स हैं बेसिकली, यार जिनको इंटरेस्ट है एविएशन इंजीनियर्स और एविएशन साइंटिस्ट जो भी हो। Like huge, massive tire, plane. Oh my God, it's so heavy. The first aid nursing for gas casualties. तो ये चीजें वो लोग यूज करते थे। यहाँ पे सब वही इंजन्स दिखाए हुए हैं जो एक्चुअली फायर फाइटिंग में यूज हुए थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। उनके इंजन हैं, उनके प्लेन के पार्ट्स हैं, जो भी बच गए एक्चुअली। ये पार्ट्स हैं जो ब्लास्ट होके बचे हैं। सारे वही पार्ट्स हैं, सारे ओरिजिनल हैं ये। हाँ, ये इस म्यूजियम को डोनेट किए गए, ये सारे ओरिजिनल हैं उस टाइम पे जो अच्छा, ये बॉम्ब साइट यूनिट है कि बॉम्ब कहाँ पे वो करना है, उनको गिराना है और और कहाँ पे प्लेसमेंट के लिए। स्पीड कैलकुलेटर, ये विंड फाइटिंग की, विंड का क्या इफेक्ट, कहाँ पे विंड जा रही है। नाइस, कितना पुराना है ना सब कुछ, लाइक 1940s, 1950s। एंड ये आप देख सकते हैं, ये डिवाइस है जिसे हम अब कैमरा यूज करते हैं। ये डिवाइस है कि कितने एयरक्राफ्ट हमारे ब्लॉन ऑफ हो चुके हैं ड्रिफ्टिंग के टाइम पे। ये वाला डिवाइस रिकॉर्डर है, ड्रिफ्ट रिकॉर्डर है। एक इंस्ट्रूमेंटल पैनल प्लेन का, ये है सारी डमीज। Oh my God! This is great. मॉडल्स हैं कि वो कैसे प्लेन डिजाइन करना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले ये पूरा मतलब वुड से डिजाइन किया है कि कैसा होना चाहिए, देन उसके बाद उन्होंने उसको पूरा ऐसे शेप दिया कि क्या है, क्या हम कर सकते हैं और कैसे। एंड ऑफ एन एरा के प्लेन्स है, वो रॉयल एयर फोर्स का डमी है। देखिए ऐसे बैठने की जगह होती थी, ऐसे मैंने
ये रॉयल एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट कमांड है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखो टैंक्स लेके जाया जा। हाँ ये करा आप देखो। यस चित्री के एविएशंस। तुम्हारा पड़ा ही है, ये मेरा पड़ा, ये मेरा। ये जो है ये ग्रेट वॉर सेंचुरी 1914 और 1918 में जो हुआ था ये उसका उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया था और ये उसका ही डमी है। देखिए बैटल ऑफ कैम्ब्रे की है ये 1907 में 17 में से। हाँ सी पर लिखा हुआ है। ये देखो फर्स्ट पर्पस बिल्ट एयर टर्मिनल, दुनिया का सबसे पहला एयर टर्मिनल है ये जो बना था 1932 में सेका में। ये जो मेडल है ये जिसको मिला था ना उसके फादर ने मिट्टी में से कहीं ढूंढ के निकाला था। ये है वो मेडल। इट वाज अवार्डेड टू मॉन्श्योर पिक्वे फॉर एयर फाइट 1988 में समथिंग ना 1988 टू 1974। देखिए इस एयरक्राफ्ट में साइकिल के टायर्स यूज हुए थे, पीछे भी देख सकते हैं आप। देखिए ये इसमें लगा हुआ भी है। क्वेंट्री इसमें दिखाया है कि ऑल द क्वेंट्री कैन नॉट क्लेम द बर्थ प्लेस ऑफ ब्रिटिश एविएशन बट इट वाज सर्टेनली वेयर द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट एट एयरक्राफ्ट मास प्रोडक्शन टुक प्लेस। ओह कोवेंट्री में फर्स्ट एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन लाइक मैन्युफैक्चर हुआ था। स्टार्टिंग हां राइट ब्रिटिश। सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखाता हूं कैसे प्लेन उड़ने की कोशिश करी गई थी। इसके अंदर वो मॉडल है कि कैसे लोग आते थे इसके अंदर। आइए ये देखिए, ये ऐसे पायलट होता था इसमें पहले, उसके हाथ में हैंडल है और वो इसको ऐसे उड़ाता था। ये मॉडल जिन्होंने तैयार किए थे कि हम प्लेन ऐसे उड़ाएंगे, वे भी थोड़े बहुत कामयाब हुए भी होंगे। और बाकी अब हम जा रहे हैं नीचे वापस और आपको बाकी की चीज़ें दिखाते हैं, तो चलिए आप मेरे साथ। ये देखिए सब प्लेन का ही है और ये ऐसे पहले पहना करते थे ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर, और ये हेलमेट हुआ करते थे एक बस। ये ओरिजिनल है जो उन्होंने जो उन्होंने पहना था। बैटल ऑफ ब्रिटेन, उनके ये जो था आर्चबोल्ड एशमोर, इसका कोई एविएशन से कोई मतलब नहीं था बट इसको इतना इंटरेस्ट था, ये अपनी फैमिली बिजनेस का था तो इसने पहले लाइसेंस लिया फिर इसको। तो गाइस आकांक्षा यहाँ पर रितिका को समझा रही है सब पता। ये देखिए गाइस, यस यहाँ भी कुछ ये प्लेन्स है बड़ा सा। सारे प्लेन्स ये ओरिजिनल हैं जो कि इनको मिलिट्री ने डोनेट किए हैं। अगेन रोल्स रॉयस गाइस, रोल्स रॉयस ने बहुत मुझे लगता है अच्छा इसके अंदर रोल है। यस यहाँ
देखो गाइस, इतने इनके अंदर नेवी के सब, मतलब अगर आपको ब्रिटिश आर्मी का पूरा वो चाहिए तो, और बहुत, और यूनाइटेड स्टेट्स का एयरफोर्स भी है, यूरोप का, उनका मेंबर कार्ड एंड उनकी ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे दी हुई है। ओके, ये ओरिजिनल है गाइस, देखिए आप उनका मेंबर कार्ड के साथ, उनकी ड्रेसेस, टाइज, बैचेस। ये मिसाइल्स हैं जो प्लेन के साथ लगती हैं, ये सारी मिसाइल्स यहाँ पे इन्होंने लगा रखी हैं। दी फर्स्ट एंट्रेंस पे इन्होंने मिसाइल रखी है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो अपना नासा स्पेस में गया था सबसे पहले, नील आर्मस्ट्रांग चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति। रॉकेट, रोड टू मून, फर्स्ट मून लैंडिंग 20 जुलाई 1969 गाइस। तो चलो अब चलते हैं बाहर, बाहर और प्लेन वगैरह दिखाते हैं आपको। और ये सब तो इंजन्स के पार्ट थे और उनके मॉडल्स थे, और बट बाहर जो है वो बड़े वाले हैं जिनको वो अंदर स्टोर नहीं कर सकते, तो उनको बाहर रखा है गार्डन में। तो अब बाहर चलते हैं और बाहर देखते हैं। लेट्स गो गाइस। आकांक्षा वहां बैठी है, आकांक्षा लेट्स गो आउटसाइड। सी गाइस, इतना बड़ा प्लेन, ओह माय गॉड। ये तो बस एयरपोर्ट में जब कहीं जाओ तभी देखने को मिलते हैं। यहाँ से इसकी एंट्री थी अंदर जाने की, क्लोज फॉर लंच, वल्कन ओपन। ओ ये एंट्रेंस है गाइस, वी कैन गो इनसाइड। तो गाइस ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर है, अभी हम देखते हैं कब और कहाँ पे यूज हुआ। Aircraft under destroyed. And 12 seats open. आप देख सकते हैं under restoration है अभी। वो भी एक plane है, fighter ही। कार्गो प्लेन है गाइस, मुझे लगता है हाँ, ये सोल्जर्स को ले जाने वाला है। अगेन रॉयल्स रॉयस का नाम आ रहा है इसके अंदर गाइस, रॉयल्स रॉयस ने तो वो कर रखा है यार। कृतिका कैसा लग रहा है आपको ये मिडलैंड? ठंडा कितना हो रहा है इतना यहाँ पे? बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, लाइक 8 डिग्री टेम्परेचर है अभी, बट घूमते हुए पता नहीं लग रहा। सी रियल टायर्स। तो रितिका आज तक हमने प्लेन के टायर पे के पास तो हम नहीं गए हैं, तो फाइनली हम यहाँ तक भी पहुँच चुके हैं। आप भी देख सकते हो, ठीक, बहुत अच्छी जगह है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो हमने जो भी चार्जेस वगैरह दिए वो वर्थ है। इस प्लेन का नाम है एडना, ओह माय गॉड, ये इसका फ्रंट है।
का नाम है हॉकर हंटर F6A अगेन वन रोल्स रॉयस एवंट 2003 टर्बो जेट रेटेड। मैं सारे इसका नाम है ग्लॉस्टर जेवियन FAW5। ये वेदर फायर फाइटर है, ये टू सीटर है, ये वन सिंगल सीटर है, फाइव बॉम्बर है ये। ये देखिए गाइस, और आकांक्षा क्या बताना चाहोगे आप बताओ आगे। तो आप लाएंगे अपने बच्चों को? पारस मिस कर चुका हमारे साथ ये ट्रिप, क्योंकि पारस को जाना था काम पे। ये नाइट फाइटर है भैया, नौकरी रात के लिए जो फायर फाइटर यूज होते हैं, नौकरी पहले है। पापी पेट का सवाल है दोस्तों, आप लोग भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम लोग भी कुछ आगे बढ़े, तो और ज्यादा से ज्यादा व्लॉगिंग हम अपनी जारी रखें। और आकांक्षा को भी थोड़ा अच्छा लगे तो आकांक्षा के लिए मैं भी स्टार्ट करूं फिर, क्यों आकांक्षा? अगर लोग लाइक करें सब्सक्राइब करें तो आप भी स्टार्ट करना चाहेंगे? बताइए आकांक्षा। तो रितिका लगी है वहां पे कुछ शॉर्ट्स क्लिक करने के लिए। फायर फाइटर है जो सारे वेदर में। ओह माय गॉड, जा रही थी गोरे से कुछ पूछने, वापस भाग के आ गई, कह रही मैं नहीं पूछ रही, छोड़ो। तो गाइस अब बगावत होने का टाइम आ गया, पैसे वापस मांगे, क्योंकि रितिका कह रही है हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे। रितिका आप बगावत करना चाहेंगे? ये कह रही है हमारा देश लूट लिए। बहुत सही है आकांक्षा की गाइस, बहुत ही बड़ा बना रखा है, पैसे दे रहे हैं देखने के लिए कि हमारा देश लूट के इन्होंने क्या बनाया, क्या बनाया। ये देखिए गाइस, ये इसके आगे चोंच है, चोंच नहीं है वो, वाह देन वो। Oh my God! इधर भी गंदे शॉट्स आते थे। यहाँ से गोलियाँ निकलती थीं। Right, वो फाइटर प्लेन्स हैं। Okay. Oh, इसका नाम ही स्टार फाइटर है जी। ये वाला देखो अभिषेक। बताओ। मिसाइल भी है और मशीन गन भी है। Okay, वो रेड कलर की मेरे ख्याल से मिसाइल है, आप जा नहीं सकते। टॉप गन वो फीलिंग आ रही है मैंने। ज़ूम करके दिखाया गाइस मैंने आपको। ऐसे। ये रितिका और आकांक्षा छेड़ रही हैं गन को, गोली ना निकल जाए इसमें से। ओह छोटी छोटी, नाम है नोज माउंटेड मशीन, ये जो मशीन गन है नोज से मशीन गन आती थी, लाइक गोलियां। आई थिंक ये ओपन था और ये अभी कुछ टाइम पहले ही बंद किया है। क्या यार पर मिशन इम्पॉसिबल 24 टॉम क्रूज बैठा था इसके अंदर, जिसके आगे मिसाइल थी। ये एक्चुअल में हेलीकॉप्टर था, हम लोग इसको प्लेन कह रहे थे गाइस, सॉरी। पता कुछ है नहीं आगे मिसाइल या ग्रीन कलर की मिसाइल भी आप देख सकते हैं। यस, और हमारा कटा और हमारा कट भी चुका है, उसने पैसे लेके मैं कहा अंदर जा सकते हो लेकिन अब जाना ही नहीं दे रहे हैं। मारुति का टायर होता है
मारुति के टायर इसमें लगाए थे उस टाइम पे इन्होंने। मतलब लग तो मारुति जितने टायर है। कुछ नहीं होता। आकांक्षा क्या किया इन्होंने? चुराया सब कुछ। ओह माय गॉड। तुम बंद करवाओगे चैनल? आकांक्षा तुम्हारा चैनल बंद करवाना चाहती है? ओह माय गॉड गाइस, ये देखिए गाइस। 11 सीटर स्मॉल एयरलाइन। ओह ये स्मॉल एयरलाइन है गाइस, एयरलाइन का प्लेन है ये, बड़ा वाला है। एक मिनट टच। सी मैन अगेन, केटीएम के टायर। केटीएम के टायर इससे ज्यादा बड़े होते हैं, इससे ज्यादा बड़े हैं, सॉरी ये छोटे हैं। मुझे दिखा दो। ओह माय गॉड, वेदर कितना अच्छा हो रहा है यार, ये देखो। ये हाँ आप काम करें, आप आना चाहें तो आ सकते हैं। देखो भाई गोलियां ही गोलियां मारी हैं इन्होंने, गोलियां ही गोलियां। फाइटर बॉम्बर, दिस इज अ फाइटर बॉम्बर। आज गाइस रितिका कह रही है मैं सारी गोलियां देखूंगी कहां से आती हैं। सी वहां से भी आती हैं। ओह ये वो जीप भी है जो उन्होंने यूज करी होगी कहीं। सी दिस वन एज वेल। सऊदी एयरफोर्स। चलो चलते हैं हम वो प्लेन के अंदर, वो वाला अंदर। सही बात है गाइस, अभी ये देख लो आप जो थोड़े बहुत आपको दिख रहे हैं। तो चलो चलते हैं प्लेन के अंदर। हाँ चलो चले, चलो गाइस वहाँ चले। सी यू इन द प्लेन। सी यू इन द प्लेन। और बस आप ये देख लीजिए, जा रहे हैं ये बड़े वाले प्लेन के अंदर। सिटी ऑफ कोवेंट्री जा रहे हैं इसके अंदर। तो हम जाएंगे अब इसके अंदर। पीट इज विद अस गाइस। ओह नो वरी, वेट का पूछ लो। सी गाइस अभी ये अंदर चले गए हैं एयरक्राफ्ट के। ऋतिका आ रही है अंदर। इट्स इजी। यस ऋतिका अंदर आके टेक योर सीट। ऋतिका देयर। यस क्रू फॉर सीट फॉर क्रू। या ऋतिका यू हैव टू सिट देयर दिस साइड, दैट वन इज फॉर माइन। ओह दैट्स नाइस।
यहाँ से कॉकपिट नहीं देखा था और ये क्रू का होता है और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ दो पायलट उधर बैठते हैं। ओके, और ये ऐसा कुछ लगता है, यहाँ पे सारा बात बात कर सकते हैं आप लोग, ये सब बताते हैं जो क्रू होता है वहाँ उधर। बहुत सारे बटन है, बहुत सारे बटन है इधर। नेविगेटर राइडर इज हियर, नेविगेटर राइडर, नेविगेटर प्लॉटर, वेयर रितिका इज सिटिंग, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिसर। थैंक यू पीट फॉर द इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ नेविगेटर राइडर बैठा होता है यहाँ पे, जहाँ रितिका बैठी है, और नेविगेटर प्लॉटर, जहाँ कांशा बैठी है वहाँ इलेक्ट्रिकल स्टाफ। Nice.